राजधानी रायपुर में बीते 45 दिनों से मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे बिजली संविदा कर्मचारी आर पार के मूड में हैं। गुस्साए संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कल पूरी रात सड़क पर ही गुजारी। हालांकि सुबह पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। बताया ये जा रहा है कि कुछ संविदा कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल कल सीएम हाउस का घेराव करने निकले संविदा कर्मियों को पुलिस ने रोक दिया था। कार्रवाई से नाराज होकर बिजली संविदा कर्मचारी रोड पर ही धरने पर बैठ गए। बड़े अधिकारियों के आने तक वहीं रहने का ऐलान उन्होंने किया। इसके बाद सुबह पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी प्रदर्शनकारियों को समझाया। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। संविदा बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल जो कि गरजपुर जारी है और आर पार के मूड में है, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक इनकी दोनों मांगे जो कि नियमितीकरण को लेकर वो है और दूसरी जो बड़ी मांग है वो ये कि अगर काम के दौरान ड्यूटी के दौरान कोई अप्रिय घटना घटी है उनके साथ तो परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, ये उनकी मांग है और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, कल सीएम हाउस खिलाफ करने के लिए पहुंचे थे, दूसरी तरफ रात उन्होंने रोड पर ही गुजारी। शिखर देवांगन मेरे साथ, मेरे सीएम की तमाम जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से इस वक्त लाइव मौजूद है। शिखर, फिलहाल ताजा अपडेट हमारे पास क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने बताया था कि पुलिस ने उनका बल प्रयोग भी किया जिसके बाद इन संविदा कर्मियों को केंद्रीय जेल वहां पर लेकर के टीम भी पहुंची थी। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ उनको लेकर? बिल्कुल जी, आप जिस तरह से विद्युत संविदा कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली, बीते 45 दिनों से हड़ताल पर थे, कल रात से जो है सड़क पर डटे हुए थे और सीएम हाउस जब खेत में निकले थे, उसके बाद जब पुलिस के अधिकारियों ने जो है सीएम हाउस खेत में जाते हुए उन्हें रोक दिया, उसके बाद रात भर जो है विद्युत संविदा कर्मचारी सड़क पर जो है बैठे रहे और सड़क पर ही धरना देते रहे। आज सुबह जब विद्युत संविदा कर्मचारियों को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा की तो विद्युत संविदा कर्मचारियों ने वहाँ से हटने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों ने हल्के बल प्रयोग कर वहाँ से संविदा कर्मचारियों को हटा दिया है। कुछ संविदा कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्हें सेंट्रल जेल लेकर गई हुई है पुलिस की टीम। अगर बात की जाए तो दो सूत्री मांगों को लेकर ये पूरा जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीते लंबे समय से विद्युत संविदा कर्मचारी ये प्रदर्शन कर रहे थे और विद्युत विभाग से मांग कर रहे थे कि संविदा जो कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जिनकी असामयिक मौत हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ये दो मांगे थी और इन्हीं दो मांगों को लेकर लंबे समय से इनकी हड़ताल जारी थी। कई बार विद्युत विभाग की ओर से इनके साथ चर्चाएं की गई, आश्वासन दिया गया, हर बार आश्वासन के बाद जो है प्रदर्शन स्थगित कर दिया जाता था, लेकिन ये इस बार आर पार के मूड में नजर आया विद्युत संविदा कर्मचारी और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करते रहे अपनी मांगों को करवाने के लिए। आज कल जो है शाम 5 बजे विद्युत संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले हुए थे, इसी बीच विद्युत संविदा कर्मचारियों को पुलिस के अधिकारियों ने बहुत रोका था, जिसके बाद विद्युत संविदा के अधिकारी रात भर अधिकारी को यहाँ पर बुलाया जाए, उनसे बातचीत हो, क्या इस दिशा में विभाग की ओर से अभी तक कोई कदम, कोई बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचा, क्या बातचीत की अभी तक कोई पहल कल और आज की घटना को लेकर? बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से विद्युत संविदा कर्मचारी सड़क पर डटे हुए थे, ये मांग कर रहे थे कि विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी जब तक नहीं आते हैं तब तक वो सड़क से हटने को तैयार नहीं है, और लगातार यही बातें जो है प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते रहे। प्रशासनिक अधिकारी सड़क से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं मानी गई तो हल्का बल प्रयोग कर विद्युत संविदा कर्मचारियों को सड़क से हटाया गया है, क्योंकि जिस सड़क पर ये प्रदर्शन किया जा रहा था सबसे व्यस्तम सड़क माना जाता है और स्कूल कॉलेजेस के अलावा जो है दफ्तर आने जाने वाले लोगों की भीड़ हमेशा उस सड़क पर बनी रहती है, और ये सड़क जो है उनके प्रदर्शन को देखते हुए दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ अधिकारियों से चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। ठीक है, मांगों पर लगातार ये अड़े हैं, आपको देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर सामने आती है।